हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेल सेटल ब्रॉड। आज की वीडियो डेडिकेटेड है ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट टेरिटरीज को और उन टेरिटरीज या स्टेट्स में कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेंगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट। हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इट्स सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सिक्स लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है एट स्टेट्स में या एट टेरिटरी में। फर्स्ट स्टेट इज ओवर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड वन इज ओवर नॉर्दर्न टेरिटरी, थर्ड वन इज साउथ ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज क्वींसलैंड, फिफ्थ इज न्यू साउथ वेल्स एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, देन विक्टोरिया, देन तस्मेनिया। ये सारी स्टेट्स में अपनी अपनी सिटीज हैं एंड उनकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। स्टूडेंट के पास ऑप्शन है पूरे ऑस्ट्रेलिया में से, वो जहां मर्जी स्टडी करने जा सकता है। एंड ये सारी स्टेट्स या ये सारी सिटीज एक्सेप्ट करती हैं आईएलटीएस एज वेल एज पीटीई। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हर एक स्टेट या हर एक टेरिटरी की जो हम बात करने लगे हैं उसमें से बेस्ट सिटीज कौन सी हैं एंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है अकॉर्डिंग टू द वीजा सक्सेस रेट। गाइज, हमारी वीडियोस डेडिकेटेड है आपको आपके वीजा के क्लोज लेके जाने के लिए। मैं जो सिटीज या ऑप्शंस बताऊंगा, अगर आप उनमें अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वीजा चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। बात करें अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में। एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी है पर्थ। ऑब्वियसली काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस सिटी में जाके स्टडी करते हैं एंड वहां के ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स भी जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करनी होती है वो पर्थ आके ही स्टडी करते हैं। सो काफी ऑब्वियस ही बात है कि पर्थ सिटी में ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अगर आपने पर्थ स्टडी करने जाना है, आई विल हाईली रिकमेंड कर्टन यूनिवर्सिटी। इट्स लाइक लेवल वन यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा ग्रेड है इसका। कुछ देर में ये यूनिवर्सिटी ग्रुप एट यूनिवर्सिटीज को भी ज्वाइन करेंगी। रिक्वायरमेंट्स ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5 फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। जिन्होंने मास्टर्स करने के लिए जाना है, ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6 विद गुड अकेडमिक्स आपको कर्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मतलब आपका वीजा सक्सेस रेट काफी हाई रहेगा। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज है। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज इज समथिंग लाइक टॉप 8 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। इनका पैनल अलग है एडमिशन का, ये आपकी इंटरव्यू भी लेते हैं ऑन स्काइप और जूम। अनफॉर्चुनेटली पंजाब हरियाणा रीजन से काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से साउथ के स्टूडेंट्स या दिल्ली वाली साइड के स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं। एंड देन फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका IT बैकग्राउंड है या जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है मर्डोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल वन इंस्टीट्यूट है, IELTS ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5 एडमिशन हो जाएगी, बट दे नीड गुड अकेडमिक्स। प्लस टू में जिन स्टूडेंट्स के 70 है, आई विल हाईली रिकमेंड आप मर्डोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लीजिए। अकेला वीजा ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी आपके फ्यूचर परस्पेक्टिव के लिए भी काफी अच्छी है। कमिंग टू द नेक्स्ट टेरिटरी, दैट इज सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये टेरिटरी लोकेटेड है साउथ रीजन में ऑस्ट्रेलिया के, एंड मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया इज रीजनल। एंड बहुत कम सिटीज है यहाँ पे जो हाईली डेवलप हैं। मोस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जाना होता है वो एडिलेड ही कंसीडर करते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स एडिलेड जाके स्टडी करना चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड टॉरेंस यूनिवर्सिटी, बिकॉज टॉरेंस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस सदर्न ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में ही है। सो जो टॉरेंस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं, आप एडिलेड के मेन कैंपस में एडमिशन लीजिए फॉर हाई वीजा सक्सेस रेट। बात करें फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में आती है ये ऑस्ट्रेलिया के। मास्टर्स कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, अपने IT कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्पाउस के साथ जाना है, अगेन आई विल हाईली रिकमेंड फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में आप एक बारी जरूर अप्लाई कीजिए। एंड ओवर फाइनल टेक इज यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। गाइस, हर एक स्टेट की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है। सदर्न ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेल सेटल अब्रॉड की तरफ से है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। अगेन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है, हाई स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी की अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाती है, आप इस यूनिवर्सिटी की GTE क्लियर कर लेते हैं,
तो आपके वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छे रहते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टेरिटरी दैट इज क्वींसलैंड। क्वींसलैंड इज ऑलमोस्ट अ रीजनल स्टेट और अ रीजनल एरिया। यहाँ पे दो मेन सिटीज हैं, दैट इज ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट। ये दोनों सिटीज काफी फेमस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू स्टडी इन ब्रिस्बेन, आई वुड रिकमेंड QUT, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन लेवल वन की यूनिवर्सिटी है, अकेडमिक स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है। हमारा अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन देखें तो काफ़ी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल हेड्स इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसिडर करते हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कंसीडर किया जाता है IIT लेवल का एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्लस टू में नॉन मेडिकल की है या कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो आई विल रिकमेंड क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन ब्रिस्बेन की एक और काफ़ी अच्छी ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज में जो आती हैं, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। अगेन गाइज, ये ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है, इसकी ऑफर लेटर या इसकी अनकंडीशन ऑफर लेटर का मतलब ही वीज़ा होता है। सो जौन से स्टूडेंट ब्राइट्स हैं स्टडी में, ओवरऑल 6 लेके आ रहे हैं, ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6, ब्रिस्बेन जाना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। अगेन द नेक्स्ट सिटी दैट आई हाईली रिकमेंड इज गोल्ड कोस्ट। प्रॉपर रीजनल एरिया है, 3 to 4 years का आपको वर्क एक्सपीरियंस या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन गोल्ड कोस्ट इज बॉन्ड यूनिवर्सिटी। लेवल वन यूनिवर्सिटी है, अकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगेन हाई के साथ स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेगी, बट जिन स्टूडेंट्स का रिफ्यूजल है, अगर मैं बात करूं गोल्ड कोस्ट की, ये एक प्रॉपर रीजनल एरिया कंसीडर किया जाता है। आपको गोल्ड कोस्ट में अराउंड 4 to 5 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन गोल्ड कोस्ट इज बॉन्ड यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी नेशनल, इंटरनेशनल एंड इवन यूरोप के बच्चों में काफ़ी फेमस है ऑफ इट्स अकेडमिक स्टेटस एंड द कैंपस दैट दे प्रोवाइड। सो जिन जो स्टूडेंट्स रीजनल एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, गो विद गोल्ड कोस्ट एंड बॉन्ड यूनिवर्सिटी। अब बात करें नेक्स्ट टेरिटरी की, ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज न्यू साउथ वेल्स। इस टेरिटरी की पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। With that and because of that, सिडनी यहाँ की कैपिटल सिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में जिस सिटी की है, दैट इज सिडनी। सिडनी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट जो दो मेन फोकस है मेरा इन दिस वीडियो, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच बिकॉज ऑफ इट्स अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। सो कोई भी बच्चा जो सिडनी जाके स्टडी करना चाहता है, एक बारी अपनी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के लिए जरूर कंसीडर करें। बिजनेस कोर्सेज काफी अच्छे हैं इस यूनिवर्सिटी के, बिकॉज सिडनी एक बिजनेस हब है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड जो स्टूडेंट न्यू साउथ वेल्स जाके बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं, सिडनी में जाके बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। आफ्टर दैट उन स्टूडेंट्स के लिए जो IT वाले हैं या जिन्होंने नॉन मेडिकल कर रखी है या जिन्होंने अपनी बैचलर्स BTech की है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के स्टैंडर्ड्स सबसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज। अगर मैं IT या इंजीनियरिंग की बात करूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर ये यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर चुकी है अपने IT फ्रेमवर्क में। सो आई विल हाईली रिकमेंड जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया में IT की है, नॉन मेडिकल की है, एक सब्जेक्ट आपका IT वाला है, कंप्यूटर वाला है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में ज़रूर अप्लाई करें। बट अकेडमिक स्टैंडर्ड हाई है, 60 to 65% जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और जिन्होंने प्लस टू करके जाना है, तो आप अराउंड 75% तो रखिए, एंड ओवरऑल 6.5 के साथ आपको दोनों में एडमिशन मिल जाएगी। जौन से स्टूडेंट्स न्यू साउथ वेल्स में रीजनल एरिया में स्टडी करना चाहते हैं एंड जिनको अपना वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई चाहिए, आई विल रिकमेंड देम वुलोंगोंग। ये काफ़ी अच्छी सिटी है, रीजनल सिटी है एंड वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिन्यूसली फॉर अ रीजन अपने रीजनल एरियाज में प्रमोट कर रहा है, स्टूडेंट्स को बुला रहा है बिकॉज दे वॉन्ट स्टूडेंट इन देयर रीजनल एरिया। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए रीजनल एरियाज में, दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग में स्टूडेंट्स अप्लाई करें, IELTS की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5 बैचलर्स के लिए, 6 विद नो लेस देन 6 मास्टर्स कोर्स के लिए। बट इस यूनिवर्सिटी में आपको EAP कोर्स के साथ कम बैंड्स में भी एडमिशन मिल जाएगी। अगेन अगर आपके बैंड्स कम हैं, रीजनल एरिया में जाना है,
न्यू साउथ वेल्स जाना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग में जरूर अप्लाई कीजिए। बात करें उस टेरिटरी या उस सिटी की जहां पे मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है, दैट इज विक्टोरिया एंड मेलबर्न। अगर आपने मेलबर्न का स्टडी वीजा लेना है या मेलबर्न जाके स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन 5 यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कीजिए। इनके लेवल अच्छे हैं, इनके रैंक अच्छे हैं, वीजा सक्सेस रेट आपका इन 5 यूनिवर्सिटीज में अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 5 यूनिवर्सिटीज को। जो पहली यूनिवर्सिटी है दैट इज टॉरेंस यूनिवर्सिटी। रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी लेवल 2 में आ चुकी है, बट वीजा सक्सेस रेट इन यूनिवर्सिटीज का अच्छा है। टॉरेंस यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट इज गुड। हमारे यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट टाइप्स है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके बैंड कम है तो हम आपको LE कोर्स या EAP कोर्स लगा के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देंगे। आफ्टर दैट कम्स डीकन यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी में कट छोट कॉम्पिटिशन रहता है। स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन काफ़ी देर पहले ही स्टार्ट कर देते हैं इन डीकन यूनिवर्सिटी। एक टिप हमारी तरफ से फॉर डीकन यूनिवर्सिटी, अगर आपके फंड्स कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए तब जाके आपको इस यूनिवर्सिटी की COE मिलेगी। सो COE लेना इस यूनिवर्सिटी की इस टफ। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्टली डीकन में अप्लाई करना है। वी कैन अप्लाई यू, हेल्प यू इन दैट। आफ्टर दैट इज योर स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी फेमस है अपने IT कोर्सेज के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज के लिए एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज के लिए। अगेन एक IT यूनिवर्सिटी है, डेडिकेटेड है IT सेक्टर को। सो जो स्टूडेंट्स IT में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज में इंटरेस्टिंग है तो आप स्विनबर्न अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज ओवर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के मेलबर्न में 2 कैंपसेज हैं। मेन वन इज इन मेन फ्लिंडर स्ट्रीट्स, जो मैं सिटी के हार्ट में कहूँगा वो कैंपस को, एंड वन इज इन फुट्सक्रे कैंपस जो कि एक रीजनल एरिया है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अकेडमिक स्टैंडर्ड्स एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इतने हाई नहीं हैं, बट एक कॉलेज से अगर आप एक कॉलेज में अप्लाई करने लगे हैं तो प्लीज़ आप विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को एक बारी ज़रूर कंसिडर कर लें। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट ओवर फाइनल यूनिवर्सिटी इज ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। इट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस इन मेलबर्न ओनली। बात करें अगर ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की, काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका मेलबर्न सिटी में। IT कोर्सेज के लिए, बैचलर इन IT के लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। स्टूडेंट्स जिनकी वीक प्रोफाइल है, अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाती है, चाहे LE कोर्स के साथ मिले या EAP कोर्स के साथ मिले, ये यूनिवर्सिटी की अगर आपको COE मिल जाती है तो काफ़ी हद तक आपका वीज़ा सिक्योर हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टेरिटरी दैट इज़ नॉर्दर्न टेरिटरी। एज द नेम सजेस्ट ये नॉर्थ में लोकेटेड है इन ऑस्ट्रेलिया। हाईली रीजनल इलाका है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, एंड जो स्टूडेंट यहाँ पे जाके स्टडी करता है अराउंड 90% चांसेस उसके PR के होते हैं आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन। सिटी यहाँ पे एक ही है जो अच्छी तरह से डेवलप है, दैट इज़ डार्विन। बाकी जो जगह है दैट इज़ ऑल टाउन। देयर इज़ ओनली वन सिटी इन नॉर्दर्न टेरिटरी दैट इज़ डार्विन, एंड द यूनिवर्सिटी दैट इज़ चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एक रीसेंट यूनिवर्सिटी है, 2003 में आई थिंक ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी, बट ड्यू टू रीजनल एरिया इसको लेवल 1 का रैंक मिला हुआ है। स्टूडेंट्स रीजनल एरिया में आपके वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेंगे, सो आई विल हाईली रिकमेंड। प्रोफाइल वीक है, गैप है स्टडीज़ में, फंड्स में आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी की COE के साथ अप्लाई कर दो, आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। बात करूँ उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की, जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है 6 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 के साथ भी एडमिशन हो जाता है। ग्रेजुएशन वाले 5.5 ओवरऑल विद 5 के साथ भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से काफ़ी अलाउंसेज हैं, हमारे डायरेक्ट टाइप हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने रीजनल में जाके स्टडी करना है या जिनके वीज़ा चांसेस कम हैं, प्लीज़ गाइस आप चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। बात करें ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की, बाय द नेम सजेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी है, एंड इसमें लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी दैट इज़ कैनबेरा। कैनबेरा इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन कैनबेरा, दैट इज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है हाई लेवल ऑफ IT प्रोग्राम एज वेल बिजनेस प्रोग्राम एज वेल एज साइकोलॉजी प्रोग्राम्स, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया से काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में
क्वालिफाई करते हैं। अगेन, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप एक्सेल सेटल अब्रॉड की किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 7 ओवरऑल 7 विद 6 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है 7.5 विद नो लेस देन 6.5 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। बात करें अगर हम तस्मेनिया की, ये एक आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ लोकेटेड है। फुल तस्मेनिया इज अ रीजनल एरिया, सो यहाँ पे एक ही सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है, दैट इज होबार्ट, एंड होबार्ट में लोकेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया। काफ़ी लो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के साथ ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। आइल्स में अगर आपके स्कोर कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी का एलई कोर्स के साथ अप्लाई कीजिए, वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। इस यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट वीज़ा सक्सेस रेट जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल पहले नहीं थी 100% रहा है, एंड जिन स्टूडेंट्स की एक बार ही रिफ्यूज़ल थी उन्होंने दोबारा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल, आपकी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में रिफ्यूज़ल आ जाती है और आप यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया में अप्लाई करते हैं अपनी SOP चेंज करके, सो वीज़ा सक्सेस रेट आर वेरी हाई। इसे क्लियरली इंडिकेट होता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करना चाहता है अपने रीजनल एरिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के बाद उनके रीजनल एरिया काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट किए हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर वीक प्रोफाइल स्टूडेंट्स, गो विद द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके तक लाते रहें ताकि आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के रिगार्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम एजुकेट होते रहें। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू रिव्यू अस ऑन गूगल, एंड आप हमारा गूगल पेज भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग स्टडी वीजा।